कैसे हैं आप लोग? मैं तो बहुत ज्यादा बुरा इस बेडरॉक में बंद करके रखा हुआ है, मैं यहाँ से निकल भी नहीं सक रहा हूँ, इसीलिए आप लोगों के साथ मैं आज निकलने वाला हूँ इस बेडरॉक के केज से। तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ फर्स्ट पर्सन मोड में और देखते हैं यहाँ पे क्या है ऊपर, और ऊपर देख सकते हो आप लोग कितने ज़्यादा ही ऊपर है यहाँ पे जिसने भी इसको बनाया होगा। वाह, अरे नीचे में तो चेस्ट दिया हुआ है, चेस्ट में देखते हैं क्या है। यहाँ पे बहुत सारा सामान है जो सबको एक एक करके जल्दी से उठा लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे सारा चीज़ उठा लिया और यहाँ पर कार्टून टेबल भी दिया हुआ है, तो मुझे समझ में आ गया कि मुझे यहाँ पे एक बनाना है बॉट, और बॉट मतलब बोट बनाना है, और बोट बना के मुझे नीचे प्लेस करना है और मुझे खड़ा होकर यहाँ पे बोर्ड में बैठ जाना है। तो मैं यहाँ पे निकल चुका हूँ इस छोटे से बाहर, छोटे वाले बेडरॉक प्रिजन से बाहर, और अभी देखते हैं इसको तोड़ लेते हैं कि बोर्ड में बाद में मुझे सारा काम आ सकता है। पॉकेट एडिशन में इसमें MLG भी होता है, चेस्ट को, चेस्ट में तो कुछ था नहीं, मैंने सब निकाल लिया। तो चलो अब इस चेस्ट का कोई काम नहीं तो इसको तोड़ ही लेते हैं। तो जल्दी से टूट जाए मेरा चेस्ट, और चेस्ट यहाँ पर टूट चुका है और वहाँ पर एक बड़ी खतरनाक जगह में फर्नेस लगा हुआ है। तो उस फर्नेस में जल्दी से ब्लॉक ऑफ कोल और सेंड को डाल लेते हैं, शायद से मेरे हिसाब से इसको ग्लास बनाना होगा क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ही ऊंचाई है। और तब तक मैं, जब तक कि वो ग्लास फर्नेस पक रहा है तब तक मैं आपको पूरी पूरी कहानी सुनाता हूँ कि क्या हुआ था। तो हुआ यूं कि मेरे पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि मैंने चुराया एक बाइक, और उसके लिए मुझे आज यहाँ पे बेडरॉक प्रिजन में कैद कर दिया गया है। तो यही था मेरे पूरे की पूरी कहानी। वेट, मैं यहाँ पे किसे पहुँच गया? ये क्या हो गया, जादू हो गया क्या? लेकिन ठीक है, मैं बेडरॉक प्रिजन से तो निकल चुका हूँ। तो गाइस, मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि मेरे वर्ल्ड में यहाँ चल क्या रहा है, उसीलिए मैं आज जाने वाला हूँ बाबा के पास। और वो बाबा बोलते हैं कि मैं हूँ बाबा और मैं सारा चीज़ का हल निकाल सकता हूँ। तो चलो उसी के पास चलते हैं, जल्दी से अपने गाड़ी में चढ़ते हैं और अपने घर के भी जाते हैं। वो हमारे घर के पीछे वाले गांव में रहता है, उसका एक अपना एकदम कस्टम हाउस है जो विलेज का अंदर, वो जो आपको दिख रहा है वही है उसका घर। जल्दी से चलते हैं उसके घर के सामने और गाड़ी को मैं यहीं कहीं रख देता हूँ और चलता हूँ उसके पास और देखते हैं कि वो क्या कर रहा होगा अभी यहाँ पर। तो इसका गेट जो है उसको खोल लेते हैं, ये बहुत ही डेंजर है, और चलो उसको पूछ लेते हैं सारी बात। तो मुझे सारी बात पता चल गई है, उस बाबा ने कहा कि वो जो बेडरॉक प्रिजन से निकाला था वो उसी ने निकाला था ताकि हमें उसका एक काम करना होगा, और वो काम क्या है चलो मैं आपको बताता हूँ। उसने हमें एक काम दिया है और वो काम है कि हमें उसके पास वाले मतलब थोड़े से दूर में एक विलेज है, उस विलेज में जाना है और वहाँ पर एक लीवर होगा, उस लीवर को दबाना है और वापस से जो है आ जाना है, और उसे करने से वो हमें बहुत सारे डायमंड्स देगा। तो मैं अपने गाड़ी को भगाता भगाते इस घर की ओर आ गया और वहाँ पे एक लीवर है, तो इस लीवर को जल्दी चलाते हैं और जल्दी भाग जाते हैं अपने घर। तो गाइस, मैं अपना घर क्यों भागूँ, सबसे पहले मैं उसी बाबा के पास जाऊँगा और अपने डायमंड्स वगैरह लेके आऊँगा। तो चलो जल्दी से चलते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को देख रहे हो और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्या दिक्कत है। और मैं अभी यहाँ पे पहुँच चुका हूँ उसके घर के पास में, और चलो जल्दी से यहाँ पे गाड़ी को उतारते हैं इस बगल में और उतरते हैं और उसके पास जो है डायमंड्स लेके चले जाते हैं। इस बाबा ने मुझे भी बताया कि इस जो है इस चेस्ट में पूरा का पूरा डायमंड मतलब पूरा का पूरा डायमंड वगैरह भरा पड़ा है, जाओ और उसको लेके जाओ। तो चलो गाइस, आप सबको मैं मिलता हूँ अपने घर में। तो मैं अपने घर में वापस आ चुका हूँ और यहाँ पे अभी मैं खोलने वाला हूँ अपने घर में ये सल्कर बॉक्स, और देखते हैं अब यहाँ पे क्या होगा। और ओ माय गॉड, यहाँ पे तो बहुत सारा डायमंड वगैरह भरा पड़ा है। तो आज की वीडियो इतना ही, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। और गाइस, अभी तक आपने मेरे पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो ये जो आपको बगल में आ रही है इस वीडियो को, इस वीडियो को